तो दोस्तों आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोगों ने बल कार्य शक्ति के फॉर्मूले कल पढ़े थे। आज कुछ दो टॉपिक रह गए हैं बल के, उससे रिलेटेड आज बात करेंगे। ठीक है, पहला है असंजक बल किसे कहते हैं या ससंजक बल किसे कहते हैं। तो ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे पानी, पानी के अणुओं में, ये पानी के अणु हैं, इनके जो आपस में जो बल लगता है उसे ही क्या बोलेंगे, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे ससंजक बल बोलते हैं। असंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल असंजक बल कहलाता है। एग्जाम्पल में जल के अणुओं से कांच का पृष्ठ भीग जाता है। ये कांच है, इस पे हमने पानी डाल दिया, जल डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, कांच हमारा भीग जाएगा। क्यों भीग जाएगा, क्योंकि जो कांच का जो बल है, जिस जिसमें अणु है और जो पानी के अणु है, उन दोनों के बीच असंजक बल लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारे कार्य के न्यूमेरिकल हैं आज। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। F कितना दिया है, 125 न्यूटन फोर्स है इतना, 125 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट डी कितना आपको दिया है, 5 मीटर तक विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, 5 मीटर। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी। ठीक है, W इज इक्वल टू F है हमारा 125, D है हमारा 5, तो कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, कैरी गया 2, 5 2 ज़ा 10, 2 12, कैरी गया 1, 5 1 ज़ा 5, 6, 6 2 5 जूल आएगा। क्यों, क्योंकि कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा, 6 2 5 जूल। क्लियर, नेक्स्ट, एक पुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। यहाँ पे ऊपर उठाकर रख रहा है मतलब H आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे W का फॉर्मूला क्या लगेगा, MgH। ठीक है, M दिया है और हाइट दी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, W बराबर MgH। ठीक है, M की वैल्यू कितनी है, 13 kg, H की कितनी है, 1.5 मीटर, और G हमारा 9.8 होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पे आप जी की वैल्यू 10 ले लीजिए। ठीक है, अप्रॉक्स में जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला आपका है W बराबर MgH, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, M बराबर 13, जी आपका 10, H आपका 1.5, तो 13 × 15, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1.5 15 हो जाएगा, 13 × 15 आपका आ जाएगा 195 जूल। तो W बराबर कितना आ गया, 195 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, बस द्वारा तय की गई दूरी है। तो W बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया, न्यूटन लिखा है, मतलब ये क्या है, बल। तो 4000 आपको बल दिया गया, 2000 जूल मतलब ये वर्क है, 2000 जूल क्या दिया गया, वर्क। बस द्वारा तय की गई दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 अपॉन 4000, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 यानी 0.5,
मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा, ठीक है, और ऑप्शन हमारे मीटर में दिए हैं, 0.5 मीटर, तो डी इज इक्वल टू 0.5 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बल एफ जीरो है तो किया गया कार्य होगा, बल जीरो दिया है तो आपसे पूछा किया गया कार्य, W इज इक्वल टू एफ इन टू डी, W इज इक्वल टू एफ हमारा जीरो है, D हमारा कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, W आपका जीरो आएगा, तो जीरो जूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बल की दिशा के लंबवत हो क्या विस्थापन, तो W बराबर F डॉट D होता है, जब ये डॉट प्रोडक्ट हटता है तो F D cos थीटा आता है, यहाँ पे लंबवत का मतलब क्या है, थीटा कितना दिया है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90, W बराबर एफ डी कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है, तो जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा आपका कितना आएगा, जीरो आएगा, तो W बराबर जीरो जूल, तो यहाँ पे शून्य आएगा, ठीक है, किया गया कार्य शून्य होता है जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा, अभी बताया अगर कार्य शून्य है तो कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, W बराबर F D cos थीटा जीरो, F हमें पता नहीं, D cos थीटा, फोर्स हमारा जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, F इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा फिर, ठीक, अगर cos थीटा जीरो होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो को लिख सकते हैं cos 90, cos cos कॉमन, तो थीटा बराबर आपका 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको पता है अगर कार्य शून्य है इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है 90 डिग्री है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, तो जहां पे थीटा बराबर आपको 90 डिग्री दिखेगा वहीं पे कोई कार्य नहीं होगा, है ना, तो हमें ये देखना है कहाँ पे हमें थीटा बराबर 90 डिग्री दिख रहा है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें तो थीटा 90 नहीं होगा। सुमन एक पुल में तैर रही है, तैरेगी ऐसे, तो 90 डिग्री इसमें भी नहीं होगा। एक इंजन ट्रेन से खींच रहा है, इसमें भी नहीं होगा। सिंपल, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ये गधा है, इसके ऊपर वजन है, तो फोर्स और इसके बीच क्या एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, लंबवत है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए, जब कोण की बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारा कॉस थीटा वाला ही लगेगा, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, W हमारा कितना दिया है जूल में होगा 20, फोर्स हमारा कितना है न्यूटन 20 न्यूटन, डी हमारा कितना है, डी हमारा कितना है 2, और कॉस थीटा हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में 20 से 20 कैंसिल,
तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू आपकी किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, बस उसी को इक्वल करना है हमें। थर्टी की शायद, एक मिनट, 0 1/2 60 की होती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 60, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है। कार्य एक राशि है, कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ये आज के आपके 10-12 क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।